नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए मास्क किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। न्यूज 18 इसी सुरक्षा कवच यानी मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर जो आप मास्क देख रहे हैं, ये कोरोना से बचाता है, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी मास्क जरूर पहनिए। तो चलिए, इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं न्यूज 18 पर। जिस तरह से आज हम आपको नकली रेमडेसिविर बनाने वाली असली गिद्धों का सच दिखाने वाले हैं, एक बार फिर से आप देखेंगे कैसे गिद्धों का गैंग बहुत तेजी से इस महामारी के दौर में भी सक्रिय है। ऐसे सच जो आपकी आत्मा तक को झकझोर कर रख देगा। ये गिद्ध सिर्फ नकली इंजेक्शन बनाने का गुनाह अंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि अस्पताल में भर्ती असली कोरोना मरीजों को जानबूझकर नकली इंजेक्शन देकर उनकी हत्या की साजिश वाला गुनाह कर रहे थे। देखिए नकली रेमडेसिविर बनाने वाले इस खूनी गैंग का स्याह सच हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। देश के होश उड़ाने वाले गिद्ध, शहर शहर गिद्धों का जहर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया है। हालांकि WHO कह चुका है कि ये इंजेक्शन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, लेकिन भारत में इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि गिद्धों ने असली से ज्यादा नकली रेमडेसिविर का कारोबार शुरू कर दिया। शहर शहर नकली रेमडेसिविर की फैक्ट्रियां लगा ली है। न्यूज 18 आज आपको नकली रेमडेसिविर बनाने वाले असली गिद्धों का ऐसा सच दिखाएगा जो आपकी आत्मा तक झकझोर देगा, क्योंकि ये सिर्फ नकली इंजेक्शन बनाने का गुनाह नहीं है, बल्कि अस्पताल में भर्ती असली कोरोना मरीजों को जानबूझकर नकली इंजेक्शन देकर उनकी हत्या की साजिश वाला गुनाह। गुजरात से MP तक कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसने दोनों राज्यों में लोगों की नींद उड़ा कर रखी है। ये इंजेक्शन गुजरात के सूरत में बनाए जाते थे और मध्य प्रदेश में सप्लाई किए जाते थे। हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के एक बड़े अस्पताल ने अपने यहाँ भर्ती कोरोना के गंभीर मरीजों को ये इंजेक्शन दिए। यानी इंजेक्शन बनाने से लेकर मरीजों को लगाने तक सबको मालूम था कि वो लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल पर छापा मारा। शहर के बड़े प्राइवेट अस्पताल में छापे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ हॉस्पिटल के मालिक से लेकर मैनेजर तक सबने वो काम किया जो इंसान नहीं सिर्फ गिद्ध कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक सिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी को नकली रेमडेसिविर के जरिए मौत के मुंह में धकेल दिया। जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल पर पुलिस का छापा। सिटी हॉस्पिटल के मालिक ने नकली इंजेक्शन मंगवाए। इंदौर से 500 नकली इंजेक्शन सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर लगाया। जानबूझकर कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाया। कई मरीजों की जिंदगी जानबूझकर खतरे में डाली। पुलिस ने सिटी हॉस्पिटल के मालिक और मैनेजर पर FIR दर्ज की। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी, गुजरात की पुलिस आई थी। उन गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे, उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था, तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जाँच शुरू की तो यह पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। MP के जबलपुर में सिटी हॉस्पिटल ने अपने फायदे के लिए मरीजों के परिवार वालों से मोटी रकम वसूली। बदले में नकली रेमडेसिविर लगाकर मरीजों की जिंदगी को अपनी मुनाफाखोरी की आग में झुलसा दिया।
लेकिन इससे भी हैरान करने वाला सच यह है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का जहरीला कारोबार करने वाले इन गिद्धों ने कई शहरों में इसी तरह मौत की साजिश का सौदा किया है। जानबूझकर मरीजों की जान लेने वाली डील करने वाले ये गिद्ध महामारी के सबसे बड़े नासूर हैं। गुजरात पुलिस ने पिछले हफ्ते सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया था। पुलिस पूछताछ में ये पता चला कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों को लगाने के लिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में बेचे गए थे। इतना ही नहीं, जांच में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का सच सामने आया, जिसे जानकर पुलिस हैरान रह गई। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वाली साजिश के तार गुजरात से जुड़े। तब जाकर जबलपुर के ओमती इलाके में मौजूद हॉस्पिटल और मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के गुनाह की ये पूरी कड़ी सामने आई। गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री पकड़ी गई। गुजरात में बने नकली रेमडेसिविर मध्य प्रदेश भेजे गए। एमपी के इंदौर में सूरत से 500 नकली रेमडेसिविर आए। इंदौर से 500 नकली रेमडेसिविर जबलपुर भेजे गए। सूरत से जबलपुर तक नकली रेमडेसिविर की सप्लाई चेन थी। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। इस प्रकार इन्होंने यह अपमिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं मरीजों के साथ, एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत इसके बाद आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 IPC तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जबलपुर के बड़े अस्पतालों में शामिल सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की जिंदगी में इस कदर नकली इंजेक्शन का जहर घोला जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। गुजरात पुलिस के मुताबिक सूरत में नकली रेमडेसिविर फैक्ट्री के मालिक सपन जैन को गिरफ्तार किया तो उसने मुनाफाखोरी वाले नकली इंजेक्शन की सप्लाई चेन का पर्दाफाश कर दिया। गुजरात पुलिस ने एमपी पुलिस को सूचना दी और करीब 48 घंटे के अंदर जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा के अस्पताल में मरीजों को नकली रेमडेसिविर देने का खौफनाक सच सामने आ गया। गुजरात पुलिस ने जब नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए इंदौर और जबलपुर में कार्रवाई की तो मध्य प्रदेश की पुलिस भी हरकत में आ गई। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई चेन सूरत से लेकर इंदौर और इंदौर से जबलपुर तक फैली हुई थी। जबलपुर में जिन कोरोना के मरीजों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए वो शहर के जाने माने बड़े अस्पताल सिटी हॉस्पिटल में भर्ती थे। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के मालिक को मालूम था कि गंभीर कोरोना मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अब तक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से जुड़ी खबरों में सिर्फ उन लोगों का नाम आता था जो इसकी कालाबाजारी करते थे या कहीं से नकली इंजेक्शन खरीद कर मुनाफे के लिए उसे बेचते थे। लेकिन पहली बार ये चौंकाने वाली खबर आई है कि एक निजी हॉस्पिटल में न केवल नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे गए बल्कि 500 नकली इंजेक्शन अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों को लगाए गए। कोरोना के गंभीर मरीजों को इलाज के नाम पर नकली इंजेक्शन देने के मामले में सिटी हॉस्पिटल से जुड़े मेडिकल स्टोर्स पर भी छापा मारा गया। एमपी सरकार ने दावा किया है कि जानबूझकर नकली इंजेक्शन देकर मरीजों की जिंदगी को खतरे में डालने वालों के खिलाफ NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा कोई भी गिद्ध अपने मुनाफे के लिए मरीजों की जान दांव पर ना लगा सके। मुख्य मुद्दा यह है कि कहीं भी किसी भी तरह से काला बाजारी को बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हमने ही की है ना, और इसीलिए पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह से रेमडेसिविर की या ऑक्सीजन की या कोरोना से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु की यदि काला बाजारी होगी तो रासुका की कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह यदि इस तरह की बात पकड़ाएगी तो कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई हो रही है वह सरकार ही कर रही है। नकली इंजेक्शन लगाना सिर्फ मुनाफाखोरी का सौदा नहीं बल्कि किसी इंसान की हत्या जैसा अपराध है। अनजाने में की गई साजिश से अगर किसी की हत्या हो जाती है तो वो कानून की नजरों में गैर इरादतन हत्या का मामला होता है। लेकिन यहाँ तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाले, बेचने वाले और कोरोना मरीजों को देने वाले ये अच्छी तरह जानते थे कि वो मरीजों की जिंदगी जानबूझकर खतरे में डाल रहे हैं। यानी उन्हें मालूम है कि जिस मरीज की जान बचाने के लिए
रेमडेसिविर की जरूरत पड़ रही है वो इतनी गंभीर हालत में है कि नकली इंजेक्शन की डोज नहीं सह पाएगा। ऐसे में ये जानबूझकर किया गया जानलेवा अपराध है। कोई भी हो, एक बात सुन लीजिए, दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयाँ हुई है, ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन है, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शते। गुजरात से एमपी तक नकली रेमडेसिविर के जहरीले कारोबार में शामिल गिद्धों के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन का वक्त आ गया है। गुजरात में कोरोना से जुड़ी तमाम नकली दवाइयों के कारोबार का लगातार भंडाफोड़ किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो लोग इस नकली कारोबार में शामिल होंगे उनके खिलाफ हत्या जैसे संगीन अपराध के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यानी जो लोग महामारी में कोरोना मरीजों की ज़िंदगी को मुनाफा कमाने का जरिया बना रहे हैं उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी। फिर भी कोरोना काल के ये गिद्ध अपनी जेब भरने के लिए जहर बनाने और बेचने से बाज नहीं आ रहे। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में दुनिया के ज्यादातर वैज्ञानिकों का दावा है कि ये सार्स और इबोला जैसे वायरस की संख्या को कंट्रोल करता है, जिससे वायरस की रफ्तार कम हो जाती है। जिस समय वायरस की संख्या धीमी हो जाती है उस वक्त शरीर के इम्यून सिस्टम को एकजुट होकर वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि WHO भी इसे कोरोना का सटीक इलाज नहीं मानता, लेकिन जब से कोरोना मरीजों को कुछ मामलों में रेमडेसिविर देने की खबरें सामने आईं, तभी से इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी शुरू हो गई। इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले गिद्धों के साथ साथ कुछ ऐसे गिद्ध गैंग भी सामने आ गए जो नकली रेमडेसिविर बना रहे हैं, ताकि बाजार में असली रेमडेसिविर की कमी को नकली इंजेक्शन के जरिए पूरा किया जा सके। लेकिन ऐसा करने वाले गिद्ध अपनी जेब में सिर्फ मुनाफा नहीं भर रहे बल्कि अपने दामन पर मरीजों की हत्या की साजिश का दाग भी ले रहे हैं। क्योंकि जब अपराध जानबूझकर किया जाए तो इरादा साफ होता है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाला ये जानता है कि इसे किसी मरीज को ही दिया जाएगा, बेचने वाला भी जानता है कि जरूरतमंद ही से खरीदेगा और जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। और जो अस्पताल अपने यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों को जानबूझकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये इलाज नहीं बल्कि मौत बांटने का जहरीला कारोबार है। रेमडेसिविर के नाम पर ऐसे जहरीले गिद्धों का गुनाह हत्या से कम नहीं कहा जा सकता। कोविड के संक्रमण काल में गिद्धों की जमात बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन ऐसे गिद्धों पर लगाम लगाने के मिशन में जुटी है, लेकिन मुनाफे के लिए मानवता को तिलांजलि दे चुके ये लोग हैरान करने वाले हथकंडे अपनाते हैं। कोई ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता है, कोई एम्बुलेंस से ही सांसों का सौदा करता है, तो अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर जरूरतमंदों को बेचता है। लेकिन ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब करने के लिए न्यूज 18 ने जो मुहिम छेड़ रखी है उसका असर अब दिखने लगा है। यह कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। प्राणवायु के सौदागर बेनकाब, किट्स वगैरह होते हैं उनकी एक बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। एक जगह गलत तरीके से जमा किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी कालाबाजारी हो रही थी। शिकंजे में मुनाफा खोर गैंग, खगड़िया जिला प्रशासन जो कालाबाजारी है उसके खिलाफ सख्त अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा जगह जगह पर ग्राहक बन करके वो पहले सबसे पहले पहुंचते हैं, उसके बाद वहां छापेमारी करते हैं। ऑपरेशन गिद्ध का असर, महामारी के इस दौर में जब मानवता पर मुनाफाखोरी भारी पड़ने लगी
जब बाजार में खुलेआम सांसों का सौदा होने लगा, जब कालाबाजारी करने वाले गिरोह लोगों से जिंदगी बचाने की एवज में पैसे वसूलने लगे, तब न्यूज 18 ने सबसे पहले शुरू की अपनी खास मुहिम ऑपरेशन गिद्ध। कितने? जिसके तहत हमने कोरोना काल के उन अवसरवादियों को बेनकाब किया जो इंसानियत को शर्मसार कर रहे थे। असर ये हुआ कि प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू की, पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया और संकट काल के गिद्ध जेल के सलाखों के पीछे भेजे जाने लगे। आज न्यूज 18 एक बार फिर ऐसे ही गिद्धों की काली करतूत आपको दिखाएगा। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार। जब पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है, अदालतें सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछ रही हैं, ऐसे वक्त में पैसों के लालची लोग सांसें बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के कटिहार से आई ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। इन तस्वीरों में आपको एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर नजर आ रहे होंगे। दरअसल बिहार पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये लोग ट्रेन से सिलेंडर लाकर बाजार में बेचने की फिराक में हैं, जिसके आधार पर बिहार की कटिहार पुलिस ने लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से 226 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। हालांकि पुलिस को देखते ही सांसों के सौदागर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब तक की जांच में पता चला है कि ये गिरोह मुंबई से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाता और उन्हें ऊंचे दाम पर बेचा करता था। कोरोना काल के दौरान आपदा को अवसर में बदलते कई व्यवसायियों की कालाबाजारी आपने देखी होगी। ये कटिहार जंक्शन है और कटिहार जंक्शन से के इसी लोकमान्य तिलक ट्रेन से अभी लगभग 250 के संख्या में इस तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा गया है। ये 6 किलो का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को जो चर्चा है बाजार में खपाया जाना चाहे, लेकिन क्या है इस पूरे प्रकरण के पीछे ये पता नहीं चला। हम लोग को सूचना मिली जो काफ़ी संख्या में सिलेंडर जो है लगभग 6 kg का है लाया गया है और इसमें लिखा हुआ है LTT लोकमान्य तिलक समाप्त बम्बई से आया हुआ है। इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं और लगता है कि गलत तरीके से ही लाया गया है, तो हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो जैसा होगा हम लोग जांच करके उसमें उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो जाँच नहीं की गई है, जाँच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कटिहार जैसे शहर में इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर मंगाने का क्या उद्देश्य है और इसके जो भी कंसाइनी है किसने मंगवाया है उसका भी उससे भी पूछताछ की जाएगी। ये रेलवे पार्सल ऑफिस से पता किया जाएगा तभी कुछ बताया जा सकता। कटिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर तो मुजफ्फरपुर में कोरोना की दवा और दूसरी जरूरी चीजों की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कालाबाजारी कोई और नहीं बल्कि सदर अस्पताल में तैनात कर्मचारी कर रहे थे। इस गिरोह में सरकारी एम्बुलेंस के कुछ ड्राइवर भी शामिल। ये सभी मिलकर सरकारी मेडिकल सामग्री चुराकर खुले बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा करते थे। पुलिस ने कालाबाजारी के मुख्य सरगना लव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो सदर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता था। आपको बता दें कि 4000 से ज्यादा रैपिड एंटीजन जांच किट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में PPE किट, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइजर, कीमती माइक्रोस्कोप, स्लाइड और केमिकल भी जब्त किया गया है। इस मामले में कुल 5 कालाबाजारियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 3 एम्बुलेंस चालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस धंधे में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसमें कई सफेद पोश लोगों के लिप्त होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा पुलिस इस रैकेट का सिरा तलाश रही है ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचने के साथ इस गिरोह का भंडाफोड़ किया जा सके।
शहर में छापेमारी की गई है। छापेमारी के क्रम में भारी मात्रा में जो एंटीजन किट, रैपिड एंटीजन किट है, पीपीई किट है, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं और कोविड 19 से जुड़े हुए जो अन्य गवर्नमेंट सप्लाई प्रोडक्ट्स हैं, इसकी बड़ी खेप को इन्होंने जब्त किया है। और इसके साथ ही जो पांच व्यक्ति जो इस पूरी कालाबाजारी की प्रक्रिया में संलिप्त थे, उन सभी पांच लोगों की गिरफ्तारी इनके द्वारा की गई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त जरूर पड़ी है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है और ना ही लोगों की मुसीबतें कम हुई है। मेडिकल उपकरण, दवाइयों, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। केंद्र सरकार की मदद के बावजूद कोरोना से लड़ाई में कारगर चीजों की किल्लत है, और वो किल्लत क्यों है यह आपके सामने है। गौर से देखिए, एक टेम्पो में एक एक कर ऑक्सीजन सिलेंडर लादे जा रहे हैं। यहाँ छोटे बड़े हर तरह के सिलेंडर आपको दिख जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र के जालना में एफडीए और पुलिस की टीम ने ऑक्सीजन के अवैध गोदाम पर छापा मारकर ये सिलेंडर बरामद किए। जालना के गरीब शाह बाजार इलाके की गोदाम पर छापा मारकर 40 जंबो और 9 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाला ये गिरोह इन्हें बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में था। गरीब शाह बाजार या एरिया मध्ये एका गोडाऊन मध्ये मोठ्या प्रमाणात सिलेंडर साठवणूक केली आहे अशी माहिती मिळाली। त्या अनुषंगाने अन्न औषध प्रशासन, महसूल प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन आम्ही सर्वजणांनी इथे भेट दिली असता इथे एका गोडाऊनमध्ये आम्हाला 40 मोठे आणि 9 छोटे सिलेंडर आढळले। दिल्ली के अंबेडकर नगर की रहने वाली सुमन को ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत थी। सुमन को एक नंबर मिला तो उन्होंने फोन घुमाया। 50 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर के एवज में सुमन से 90,000 रुपए मांगे गए, लेकिन सुमन ने इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। नतीजा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा पवन नाम का ये गिद्ध आज सलाखों के पीछे। आरोपी पवन ने पूछताछ में बताया कि वो कैट्स एम्बुलेंस सर्विस में 2 साल से पैरामेडिक्स का काम कर रहा था, जिसकी वजह से कोरोना पीड़ितों के परिजनों से उसके संबंध बन जाते। जरूरतमंद लोग उससे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया करते थे। आरोपी पवन 15 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 40,000 रुपए में बेचा करता था, जबकि 50 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 90,000 रुपए में बेचता था। आरोपी पवन ग्राहकों से पैसे ऑनलाइन वसूला करता था। पुलिस ने पवन के पास से 32 पीपीई किट, 1,00,000 रुपए कैश और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। कोई मुनाफाखोरी कर रहा है, कोई जमाखोरी कर रहा है तो कोई रिश्वतखोरी। पकड़े जाने पर कोई गिड़गिड़ाता है, अपनी गलती मानता है तो कोई पैरों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन क्या इतने भर से संकट काल के इन गिद्धों का गुनाह माफ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पैसों की खातिर एक तरह से लोगों का कत्ल कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में मुनाफा कमाने के लिए हत्यारे बन गए हैं, और इन जैसे हत्यारों की एक ही जगह है, जेल। एक तरफ जहां मुनाफाखोर मानवता का सौदा कर रहे हैं, वहीं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। कोरोना के बढ़ते दायरे के बावजूद कुछ लोग जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जहां कई राज्यों में कर्फ्यू लगा है, वहीं सूरत में सैकड़ों लोग एक मैदान में क्रिकेट खेलने पहुंच गए। सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब एक साथ इतने लोग एक ही जगह पर जमा होंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों को कठोर सजा नहीं दी जानी चाहिए? क्या सिर्फ चेतावनी देकर इन्हें छोड़ देना जायज है? कोरोना जितना ज्यादा फैल रहा है, देश में लोगों की लापरवाही उतनी ज्यादा बढ़ने लगी। कर्फ्यू और लॉकडाउन तोड़ने के लिए लोग हर हथकंडा अपना रहे हैं।
सुबह क्रिकेट तो देर रात बार बालाओं का डांस हो रहा है। देश कोरोना जैसी घातक महामारी से लड़ रहा है, इसलिए ऐसी तस्वीरें चिंताजनक हैं और खुद हम पर ही सवाल उठाती है। सूरत में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सख्त कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन देखिए सुबह के वक्त सैकड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ मैच खेलने पहुंच गई। लापरवाही भरा ये मंजर कुछ ही देर में बदलने लगा। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के बीच पुलिस पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी जैसे ही मैदान के अंदर आने लगी तो क्रिकेट प्रेमियों के सिर से खेलने का भूत उतर गया। वो स्कूटर और बाइक पर बैठकर भागने लगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की शादी में भारी भीड़ जुटी, न मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ये वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के भतीजे की शादी का बताया गया। कोंडागांव जिले के भीमा गांव में हुए इस शादी समारोह में कोरोना की वजह से शादी में 20 से कम लोगों को शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बीजेपी ने इस वायरल वीडियो के जरिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष पर जनता की जान खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। एमपी के सिंगरौली जिले में लॉकडाउन तोड़ने वाली भीड़ ने कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला कर दिया। सिंगरौली के हिरवाह गांव में पुलिस को लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने और खरीदारी करने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो कई दुकानदार बिना मास्क लगाए सामान बेच रहे थे। खरीदारी करने वाले भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने सब्जी की दुकानें बंद करवानी शुरू कर दी तो दुकानदार और स्थानीय लोग पथराव करने लगे। एसडीएम और पुलिस वालों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। पथराव में कई महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ उपद्रव और हिंसा की रिपोर्ट दर्ज की है।